चंडीगढ़ के पीजीआई दे विच आज एक बड़ी हड़ताल की जा रही है जिदे विच जिन्ने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने करीब 4500 उन्हां वल्लों रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और पीजीआई दे परमसिस दे विच तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो जिन्ने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने उन्हां वल्लों रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पिछली बारी भी जब रोष प्रदर्शन किया गया सीगा तां इन्हां दी मंगां नूं लैके एक मीटिंग भी हुई सी, मंगां नूं मनन वास्ते भी कहा गया सीगा एरियर या फिर होर भी चीजां नूं लैके, लेकिन अज दोबारा तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि खज्जल खुआरी तां लोकां नूं हो रही है, लेकिन अपनी मंगां नूं लैके जिहड़े प्रधान ने वह भी साडे नाल जुड़े ने। संजीव जी, पिछली बारी भी आप लोगों ने हड़ताल की थी, इस बार दोबारा से हड़ताल का कारण? सर, बात वही है कि पीजीआई हर बार अपनी बातों से मुकर जाता है जी, और हम लोगों ने उनको पिछले लास्ट 2 महीने दिए कि हम ये रोष प्रदर्शन नहीं करना चाहते, आप हमारी जो है सारी डिमांड्स को जो भी भारत सरकार के नोटिफिकेशन है वो हमें दे दिया जाए। लेकिन वही बात है कि आपको जैसे पता है कि पिछली बार इन्होंने देना शुरू किया है, आप यकीन कीजिए कि 2 महीने में भी अभी तक वो भी पूरा नहीं हुआ है सर। यानी कि थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं या दे ही नहीं रहे? 3 कैटेगरी है, कुछ का दे दिया, उसका हिसाब किताब अभी उन्होंने दिया नहीं है, उनसे हम मांग रहे हैं वो दिया नहीं है। बाकी और कुछ कैटेगरी है उनका थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, और एक कैटेगरी है कि उनका तो अभी शुरुआत ही नहीं की है, वो कहते हैं उसका तो दोबारा से जो है दिल्ली में गया है नोटिफिकेशन के लिए, दोबारा से उसकी क्या कहते हैं अप्रूवल लेने के लिए गया है। तो वो भी एक बड़ी शर्मनाक बात है कि अप्रूवल आने के बाद दोबारा अप्रूवल जाना बहुत ये नजायज हमारे साथ। अब क्या रणनीति आप लोगों की, किस तरह की आज आप स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आने वाले तो कोई मीटिंग हुई है कि अधिकारियों के साथ आपकी? नहीं, हमने लगातार इनको मौका दिया है, 5 अगस्त को भी हमारी मीटिंग हुई है, 7 अगस्त को भी हमारी मीटिंग हुई है, और हमने इनको मीटिंग में ये भी बोला है कि हम आपको 1 महीने का और समय देते हैं, आप 7 सितंबर तक हमें जवाब दे दीजिए, लिख कर दे दीजिए कि 7 सितंबर को हम आपकी बेसिक प्लस डे की सैलरी देना शुरू कर देंगे और आपका जो एरियर है वो धीरे धीरे दे देंगे। तो उसमें भी एग्री नहीं हुए, रिटर्न में भी नहीं देना चाहते, और मुझे लगता है इस हिसाब से जो हमें लगता है कि उनकी नियत ही नहीं है देने की। अब आप लोगों की क्या रणनीति है जो आज हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आज दिन का रहेगा, आज का रहेगा, पूरा दिन रहेगा, तीनों शिफ्टें रहेंगी, सुबह 6 बजे तक की जो शिफ्ट है हमारी वो तो रहेगी। उसके बाद कल की रणनीति आगे तैयार की जाएगी अगर पीजीआई प्रशासन से कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं और कौन कौन से अलग अलग डिपार्टमेंट में, टोटली सारे डिपार्टमेंट में स्ट्राइक है? मैम सर, यहाँ 4500 वर्कर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है और 49 के करीब हमारी कैटेगरीज है, सभी कैटेगरीज आज यहाँ पर बैठी हुई है जी। ठीक है जी। तो बिल्कुल जिदा इन्होंने कहा कि पूरा जितनी भी कैटेगरीज है इन्हें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने उन्हों वालों प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिड़े लास्ट टाइम वादे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए गए, जिस करके ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि अब पीजीआई जिन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने वक् वक् डिपार्टमेंट्स दे उन्हों वालों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और इन्हों का कहना है कि जब तक इन्हों की डिमांड्स नूं पूरा नहीं किया जाता ये रोष प्रदर्शन करांगे अधिकारियों के नाल। हालांकि मीटिंग्स वगैरह इन्हों की हुई है, जिहड़ा इन्हों के प्रधान वालों जानकारी दी गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई मंग जिहड़ी है वो पूरी तरह नहीं मन्नी गई, जिस करके इन्हां च रोष प्रदर्शन जिहड़ा है वो देखने नूं मिल रहा है। हालांकि अज खज्जल खुआरी तो लोगों नूं जरूर हो रही है, लेकिन अपनी मंगां नूं लैके लंबे समय तो यह जिहड़ी डिमांड कर रहे थे एरियर की, एरियर तो इलावा और भी किसी तरह की कोई डिमांड आप लोगों की है? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि हमारा बेसिक प्लस डीए ही हमारी एक डिमांड है, और रेगुलराइजेशन इनको सजा के तौर पे मिला था सुप्रीम कोर्ट से, एक वो है, और उस बेसिक प्लस डीए में हमारे वो पूरे कर दें और उसके साथ जितने भी अलाउंसेस जो भी होते हैं वो हमें दे दिया जाए और हमें बता दिया जाए, क्लियर है जी? ठीक है। सर, कहना ये था कि 25A नियम कहता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, जब हम रेगुलर कर्मचारी के बराबर काम करते हैं तो हमें वेतन भी और सारी सुविधाएं भी उनके बराबर मिलनी चाहिए, जो कि भारत सरकार की नोटिफिकेशन है, उन्होंने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि नियमित नेचर का जो काम है, 12 मासी काम है, वो अगर 12 महीने चलने वाला काम है तो वहां ठेकेदारी प्रथा नहीं रह सकती, उसको बंद करना चाहिए। और ये सीएलबी बोर्ड ने भी अभी 30 तारीख को भी मीटिंग हुई थी, इनको आगे ठेकेदारी प्रथा कंटिन्यू करने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन पीजीआई धक्केशाही कर रही है, वो जो है ठेकेदारी प्रथा को आगे आगे टाइम टू टाइम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अभी भी इन्होंने परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन पीजीआई प्रशासन को अभी मंजूरी नहीं मिली है आगे। तो हमारा अनुरोध है हेल्थ मिनिस्ट्री से भी और लेबर मिनिस्ट्री से, भारत के प्रधानमंत्री से भी, कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करिए, ये जो शोषण है, ठेकेदार जो खून चूस रहे हैं वर्करों को, वो बंद कीजिए, और हमारे जो है नियमित एजेंडा जो है रेगुलर करने की एक पॉलिसी निर्धारित कीजिए। तो बिल्कुल ठेकेदारी प्रथा नूं खत्म करना या फिर एरियर या फिर होर भी चीजां नूं लेके जिहड़ी डिमांड्स है उन्हां नूं उन्हां दे वास्ते अज रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरां चंडीगढ़ के सैक्टर 12 पीजीआई दी है, जिथे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर
लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आज पूरा दिन ये जो प्रदर्शन है वो किया जाना। हालांकि लोगों की खज्जल खुआरी जरूर जो बाहर तो आ रहे, क्योंकि चंडीगढ़ का पीजीआई आप गल करिए, चंडीगढ़ के नाल हरियाणा हिमाचल दिल्ली जम्मू इतों काफ़ी पेशेंट आते हैं, लेकिन खज्जल खुआरी आज जरूर होने वाली है, क्योंकि जिन्हें भी जो कॉन्टैक्ट वर्करस ने करीब 4500 वो अज सारे जो अपनी मंगा लैके इतने प्रोटेस्ट कर रहे नजर आ रहे हैं।